हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 1 है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। तो इसको देखते कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट अंडर रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने क्या मान लिया कि जो अंडर रूट 5 है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म भी a अपॉन b की, जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, a अपॉन b है। यहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर है, और b हमारा क्या नहीं होना चाहिए, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। और सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है, ए और ए एंड बी में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 है। इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ए और बी क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। मतलब ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी मल्टीप्लाई 1, मतलब इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे, अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। जब हमने कहा है कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ए अपॉन बी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा ए अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के। फिर इससे हम क्या निकाल लेंगे, इम्प्लाइज 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 बी स्क्वायर के, और इसमें क्या है, 5 है एक फैक्टर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर। और ऐसे ही इम्प्लाइज 5 डिवाइड से, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उसके ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम सिमिलरली क्या कर लेंगे इसको। ठीक है, इसमें 5 डिवाइड से, 5 इज प्राइम एंड 5 डिवाइड से स्क्वायर, 5 डिवाइड से। अब क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू 5 सी। क्या हमने मान लिया कि ए किसके इक्वल है, 5 सी के इक्वल है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें 5 क्या होगा, उसका एक फैक्टर तो जरूर होगा, क्योंकि ये क्या है, 5 से डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सी क्या है, इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस वाली ए इक्वल 5 सी को कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन मान लो फर्स्ट, जब आप इसमें रखोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ए आएगा 5 बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 5 स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यानी कि 5 बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25 सी स्क्वायर के। ठीक है, 25 सी स्क्वायर मतलब 5 से कटेगा, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5 सी स्क्वायर के। जब आप इसको 5 से डिवाइड, 5 बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 सी स्क्वायर के, मतलब 5 इसमें आ रहा है फैक्टर, तो मतलब 5 से डिवाइड है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर इम्प्लाइज 5 डिवाइड बी। अभी तो हमने क्या कहा था कि ए और बी में क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है कॉमन, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, 5 आ गया, 5 ने बी को भी डिवाइड कर दिया और ए को भी डिवाइड कर दिया। ए अपॉन बी में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, मतलब इसके अंदर क्या है, 5 भी है, और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। हमने दिखा दिया ना कि ए जो हमारा है 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इन दोनों में क्या है, 5 है। तो दोनों में 5 है, तो मतलब कि ये हमने जो हमने लेके चले थे, हम जो लेट करके चले थे कि जो बी है क्या रेशनल नंबर है, तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें सिर्फ 1 फैक्टर होना चाहिए था कॉमन, लेकिन यहाँ पे 5 ही हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस कॉन्टैक्ट फैक्ट दैट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो ये क्या है, उसका विपरीत हो गया है कि
ए और बी के पास सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, वन है, तो जो हमने एडप्शन लिया था वो क्या है, रॉन्ग है। हैंस अंडर रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, हैंस अंडर रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमें इस ये सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का, 3 + 2 √5 को क्या प्रूव करना है हमें, इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। शो करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप वही करेंगे जो हम करते आ रहे, लेट 3 + 2 √5 बी अरेशनल नंबर, अरेशनल नंबर, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर है तो हम एक नंबर और ले रहे हैं, एंड क्या ले रहे हैं, 3 is also अरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, 3 + 2 √5 - 3, सिंस डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल, अगर हम किसी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस निकाल देंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी क्या निकल के आना आएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 2 √5 - 3, तो एक 3 से 3 कट गया, तो 2 √5 क्या है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, एंड ऑल्सो 1/2 भी क्या है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 × 2 √5, पर 2 से 2 गया, क्या आ गया, अंडर रूट फाइव। और हम ये जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल, कि जो आंसर निकल के आएगा वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर हम दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर निकल के आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट फाइव तो क्या है, इरेशनल है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि अंडर रूट फाइव क्या है, इरेशनल है। सो आवर एडप्शन इज रॉन्ग। सो हमने प्रीवियस पहले क्या ज्यूम करा था कि अंडर रूट फाइव क्या है, 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो ये क्या है, 3 + 2 √5 क्या है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, 1/√2, इसे हमें क्या शो करना है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, सॉरी इसको क्या करना है, इरेशनल नंबर है, कि क्या है ये, एक इरेशनल नंबर है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/√2 × √2, ठीक है, इतना आ जाएगा, √2/2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये भी रेशनल नंबर है, और हम ये जानते हैं कि 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब हम दो रेशनल नंबर के प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर निकल के आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, ये हमें पता है। तो 2 × √2/2, 2 से 2 गया, ये क्या निकल के आ गया, √2, लेकिन ये तो क्या है, रेशनल नंबर है, बट √2 इज इरेशनल, क्योंकि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है, रेशनल ही आता है, लेकिन जब हमने दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करा तो ये क्या निकल के आया, रेशनल निकल के आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो आवर एडप्शन दैट इज 1/√2 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग, सो हैंस 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं उसमें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड का, सेकेंड क्या है, 7 √5 को हमें क्या करना है, क्या शो करना है, रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 7 √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है।
जब 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड 1/7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये हम जानते ही है, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/7 इज रेशनल, ठीक है। ये क्या है, 1/7 क्या है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे 7√5 और 1/7, तो जो आंसर इनका निकल के आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आया, √5, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो इससे क्या हो गया कि जो हमने अज्यूम किया था क्या कि 7√5 इज ए रेशनल नंबर, वो क्या है, गलत है। और ये क्या है, अज्यूम दैट इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। जो हमने अज्यूम करा था वो क्या निकल गया, गलत निकल गया, मतलब रॉन्ग है। सो हम क्या लिख देंगे, हैंस 7√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, 6+√2 इज ए रेशनल नंबर, ये शो करना है हमें, ठीक है, प्रूव करना है या दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट 6+√2 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या कर लिया, इसको रेशनल नंबर मान लिया, इज अ रेशनल, या रेशनल लिख लो, रेशनल नंबर लिख लो, ये बात है। एंड 6 इज रेशनल, और 6 क्या एक रेशनल नंबर है, 6 क्या है, रेशनल है। तो क्या करेंगे, अब 6+√2 - 6, ठीक है, मतलब दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या निकल के आता है, रेशनल नंबर ही निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 6√2 - 6 क्या आ जाएगा, √2। लेकिन ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन जब हमने डिफरेंस निकालना है दो रेशनल नंबर का, वो क्या निकल गया है, √2, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो जो हमने ये मानना था ये क्या है, गलत है, कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है कि रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होता तो ये भी क्या निकल के आता, रेशनल नंबर ही निकल के आता। लेकिन जब हमने इसको रेशनल नंबर मानना है, लेकिन आंसर क्या निकल के आया है, हमारा इरेशनल नंबर निकल के आया, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन दैट इज 6+√2 इज रेशनल इज रॉन्ग। सो हैंस 6+√2 इज अ इरेशनल नंबर। सो आई होप आप सबको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।